चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, देखो द टनल वॉज सो डैश एंड कंजेस्टेड दैट वी बिकेम डैश। देखो क्या मीनिंग हो रहा है इसमें, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, टनल की, है ना। अब देखो दोस्तों, टनल वॉज सो डैश, वो टनल वॉज सो डैश, वो इतना सो डैश है, ठीक है दैट। अब ये सो क्या, तो ये टनल की बात हो रही है, ठीक है। अब ये सो आपका जो है क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो हमारा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है और हमारा जो है वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये जो टनल है इसकी बात हो रही है कि ये टनल इतनी है, मतलब ये पूरा का पूरा जो सो के साथ जो वर्ड है ये आपका एक एडजेक्टिव फॉर्म का है, ये एडवर्ब है और वो एडजेक्टिव है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो हमको पता चले कि ये जो टनल है ना, ये जो टनल है ये क्या है, सो एक एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, तो सो डैश एंड डैश, सॉरी एंड कंजेस्टेड, तो देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो एंड आपका हो गया कंजंक्शन, एंड क्या हो गया कंजंक्शन। अब देखो कंजंक्शन के बाद यहाँ पे कंजेस्टेड, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब इधर भी आपका एडजेक्टिव होगा, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब एक चीज़ और बताओ कि कंजेस्टेड कैसा वर्ड है, मतलब पॉजिटिव सेंस का वर्ड है कि नेगेटिव सेंस का। तो देखो टनल जो है वो इतनी डैश है और इतनी कंजेस्टेड है, मतलब बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल छोटी है, इस सेंस में बात हो रही है ना। टनल कैसा है, एक नेगेटिव सेंस की यहाँ पे बात हो रही है, एक कंजेस्टेड बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है, एक सक्रिय होना, सक्रिय सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। दैट इतनी है, इतनी छोटी है, सक्रिय है। दैट वी, हम जो है हम हो गए, हम क्या हो गए, वी बिकेम डैश, तो हम जाहिर सी बात है खुश तो होंगे नहीं, ठीक है ना। अब इतनी सकड़ी टनल है, मान लो वहाँ से हमको निकलना पड़ रहा है, वहाँ से हमको गुजरना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम क्या हो गए, हम या तो डरेंगे या घबराएंगे या कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत खुश होंगे, बहुत उछलेंगे, बहुत मज़े करेंगे, है ना, क्योंकि टनल बहुत छोटी है, कंजेस्टेड है। और यहाँ का, यहाँ भी जो है देखो, ये जो भी एडजेक्टिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी आपका एक नेगेटिव एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का आने वाला है। और वी बिकेम, हम क्या हो गए, हम यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ डर का अनुभव होगा, घबराहट का अनुभव होगा, तो हम कुछ ना कुछ क्या होंगे, हम यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंस में होने वाला है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंस में आने वाला है, ठीक है ना, तो ये क्लियर है। और आपका यहाँ पर भी कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, या फिर अगर वर्ब है तो वर्ब भी आ सकता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म या ऐसा कुछ। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट वाला हमारा जो ब्लैंक है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव सेंस का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट हमारा वर्ड क्या लिखा है, लॉन्ग, तो टनल जो है इतनी लंबी थी, ठीक है, तो टनल वो सो लॉन्ग। अब लॉन्ग जो शब्द है वो कोई नेगेटिव सेंस का तो है नहीं, भाई टनल बहुत लंबी थी, ठीक है, लॉन्ग चलिए मान लेते हैं, नेगेटिव काफ़ी लंबी थी तो उससे निकलने में प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो टनल वॉज लॉन्ग, ये नेगेटिव। टनल वॉज डीप, डीप मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ थी, बहुत ज़्यादा गहरी थी, है ना। डार्क मतलब बहुत अंधेरा था वहाँ पर, टनल में जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बहुत लोग वहाँ पर पहले से वहाँ पे उसके अंदर थे। और शार्प मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी, एक तरह से बहुत ही पतली सी, एकदम नुकीली नुकीली सी यहाँ पे थी, है ना, उस सेंस में बात हो रही है। इसका मतलब ये सबके सब आपके जो वर्ड हैं, मान लेते हैं हम लोग सारे ही शब्द आपके जो है नेगेटिव सेंस के वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो इससे तो हमको कुछ पता नहीं चलने वाला है कि, है ना, कुछ भी आ सकता है, सबके सब आपके जो है नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। अगला देख लेते हैं, देखो कंजेस्टेड दैट वी बिकेम डैश, हम क्या हो गए, हम डैश हो गए। यहाँ पर दोस्तों आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड आना चाहिए, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंथुजियास्टिक मतलब बहुत खुश हो गए, इंथुजियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा हम लोग हैप्पी हो गए, डिलाइटेड हो गए, हैप्पी हो गए, डिलाइटेड हो गए, कोई ना कोई ये आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, ये सब तो हुए नहीं हम लोग, तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हमने क्रॉस आउट कर दिया। हम कॉशियस हो गए, तो कॉशियस का मतलब होता है दोस्तों अलर्ट हो जाना, ठीक है, अलर्ट हो जाना या फिर सावधान हो जाना, जब कोई खतरा है तो हम पहले से ही उसके प्रति क्या हो गए,
हम लोग पहले से ही उसके प्रति सावधान हो गए, मतलब कोई खतरा है तो वो उठाने से पहले ही हम लोग क्या हो गए, बिल्कुल सावधान हो गए, अलर्ट हो गए। देखो क्या लिखा है कि ये टनल इतना ज़्यादा डैश है और इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है दैट वी बिकेम अलर्ट, दैट वी बिकम कॉशियस। हम पहले से ही इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है कि हम क्या हो गए, हम पहले से ही हम लोग अलर्ट हो गए, सावधान हो गए। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों के मन में लगेगा कि हाँ सर ये भी हो सकता है ना, लेकिन सावधान होना, पहले से अलर्ट होना है ना, पहले से अपने आप को रेडी रखना, एक तरह से ये आपका सेंस कौन सा दे रहा है, हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। देख लेते हैं आगे, है ना, इसको हम लोग एक ऑप्शन में रखते हैं, है ना, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं आगे क्या। तो वी बिकेम फ्राइटेंड, हम डर गए, वो इतना वो था, कंजेस्टेड था और इतना ज़्यादा एक और नेगेटिव सेंस में था कि हम सब क्या हो गए, डर गए हम लोग। तो ये भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और नेगेटिव सेंस का है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा क्या था, डीप था, कंजेस्टेड था, जो भी एक वर्ड आया इधर, कि हम लोग जो है क्या हो गए, आइसोलेटेड हो गए। आइसोलेटेड का मतलब होता है हम लोग अपना एकदम अलग थलग हो गए, एकदम अलग थलग हो गए, ठीक है, अलग थलग हो गए और आइसोलेट हो गए, मतलब पूरी दुनिया से, भीड़ भाड़ से जो है इतना कंजेस्टेड था कि हम सबसे जो है सेपरेट हो गए, अलग हो गए, है ना, उस सेंस में यहाँ पर बात हो गई, ठीक है ना, सेपरेट हो गए। आगे अगर हम देखें तो हम सब क्या हो गए, वरीड हो गए, है ना, लास्ट वाला हमारा जो है, तो टनल जो है वो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड था, इतना ज़्यादा जो है डैश था कि हम जो है, हम सब क्या हो गए, हम सब चिंतित हो गए, वरीड हो गए, ठीक है। ये भी आपका नेगेटिव सेंस का है और इसका भी मतलब जो है आपका चिंतित होना वो है। अब देखो यहाँ पे वरीड, चिंतित तो जम रहा है, लेकिन अगर नुकीला जो है, तो ये यहाँ पे क्या, टनल की बहुत ज़्यादा नुकीली शार्प थी और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थी, तो दोनों एक ही जैसे वर्ड हो गए, है ना। कंजेस्टेड मतलब पास थी, और शार्प तो नहीं होता है, शार्प तो क्या होता है, नुकीला कौन होता है, शार्प तो कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है। शार्प किस सेंस में होता है दोस्तों, स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है। और ये देखो क्राउडेड, तो अब टनल जो होती है, जनरली क्या होता है, टनल क्यों यूज़ होती है भाई, कोई व्हीकल्स को निकलने के लिए, कोई ट्रेन की को निकलने के लिए, बस को निकलने के लिए टनल्स होती है, ठीक है। तो टनल्स में क्राउड शब्द जो है वो नहीं जम पाता है भाई। क्राउडेड कहाँ होती है, ग्राउंड में होती है, प्लेग्राउंड में होता है, रोड होता है ना। जनरली टनल्स के लिए क्राउडेड वर्ड भी जो है आपका, ये भी सूटेबल नहीं है, है ना। अब मीनिंग के हिसाब से हमको क्रॉस करना है, शार्प भी हमारा नहीं जल रहा है, और यहाँ पे वैसे भी आइसोलेटेड जो शब्द है, एकांत की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो जो मोस्ट सूटेबल हमारा है वो कौन सा है दोस्तों, ये वाला, कौन सा, ये वाला, देखो आप सी वाला, आप खुद उसको प्लेस करो, ये आपका सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। देखो द टनल वॉज सो डार्क, इतना अंधेरा था टनल में, क्या था टनल में, देखो टनल में इतना ज़्यादा अंधेरा था। देखो दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ है नेगेटिव सेंस की, और दोनों यूनिक क्वालिटी है ना। ये तो सारा अगर कंजेस्टेड के साथ में आपका क्राउडेड लगा देता हूँ या शार्प लगा देता हूँ, तो वो लगभग एक ही मीनिंग हो रहा है ना। क्राउड और कंजेस्ट मतलब क्या, सब पास, तो वो तो आ गया उसमें कंजेस्टेड में, अब कोई नया मीनिंग आना चाहिए उसमें, दो अलग अलग मीनिंग वाले एडजेक्टिव होना चाहिए। तो देखो एक तो टनल इतना ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर, ठीक है ना, उस टनल में इतना ज़्यादा अंधेरा था, और साथ में वो इतना ज़्यादा होश पोश था या पास कंजेस्टेड था कि हम सब क्या हो गए, हम सब डर गए, है ना। डर गए जो है ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है भाई। अंधेरा होना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होना, उससे अलर्ट होने से क्या, अलर्ट कब होते हैं देखो, सावधान कब होते हैं, जब वहाँ पर कोई खतरा होता है, जब कोई डेंजर होता है तो अलर्ट होते हैं। अब यहाँ पे किसी डेंजर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अलग सिचुएशन की बात हो रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड है, तो वो अलर्ट होने का सेंस उसमें नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब सी वाला जो है, बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट जो आपका जो आंसर आना है वो क्या है, सी वाला सही हो जाएगा। टनल वॉज सो डार्क एंड कंजेस्टेड दैट वी बिकेम फ्राइटेंड, ठीक है दोस्तों, सी वाला जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन है हमारा, ही इज सो डैश इन हिज अप्रोच दैट नॉट अ सिंगल पॉइंट एवर डैश हिज अटेंशन। देखो ये
पूरा अगर हम लोग इसको फिर से पढ़ें, ही इज सो डैश, उसकी उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, उस पर्सन की जो है क्वालिटी की बात हो रही है कि वो सो डैश इन हिज अप्रोच, वो अपने अप्रोच में वो जो भी कार्य करता था तो अपने कार्य करने के जो तरीके हैं उसमें वो सो डैश था, वो इतना वो था दैट नॉट अ सिंगल पॉइंट एवर डैश हिज अटेंशन, कोई भी एक सिंगल पॉइंट जो है वो उसको डैश कर सकता है उसकी अटेंशन को, उसके कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। तो देखो ही इज सो डैश, इसका मतलब यहाँ पर इस ही की जो है क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है, इस सब्जेक्ट की, उसकी, इस पर्सन की जो पर्टिकुलर पर्सन है इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, मतलब यहाँ पे ही इज सो डैश, तो ये एडजेक्टिव होने वाला है क्योंकि सो हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, सो हमारा एडवर्ब है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कैसी क्वालिटी है, ये पॉजिटिव सेंस की क्वालिटी है या नेगेटिव सेंस की, भाई उसकी तारीफ यहाँ पर हो रही है इस लड़के की या यहाँ पर उसकी बुराई हो रही है। तो देखो ही इज सो डैश किसमें, अपनी अप्रोच में, दैट नॉट अ, नहीं है, नॉट अ सिंगल पॉइंट एवर डैश इज अटेंशन, कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी जो है उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा है या फिर कुछ कर पा रहा है ना, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका जो भी एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है। चलिए देख लेते हैं, ये जो वर्ड है आपका मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस का मतलब होता है दोस्तों कॉशियस, क्या होता है, कॉशियस होता है या फिर अलर्ट होता है, ठीक है ना, कॉशियस होता है, अलर्ट होता है, आप बोल सकते हो प्रोटेक्टिव हो सकता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव हो सकता है, ठीक है, तो इस कोई ना कोई आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड हमको पता चल रहा है, ठीक है, या फिर वो एक तरह से परफेक्ट हो सकता है ना, कॉशियस हो सकता है, अलर्ट हो सकता है या फिर परफेक्ट, परफेक्ट सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, मतलब ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। देखो ही इज सो परफेक्ट इन हिज अप्रोच या कॉशियस, अलर्ट इन हिज अप्रोच या मेटिकुलस इन हिज अप्रोच, तो बिल्कुल आपका ये पॉजिटिव सेंस का है, ये हो सकता है। देखो कैजुअल, कैजुअल इन हिज अप्रोच, वो कितना इतना ज़्यादा कैजुअल था, कैजुअल का मतलब है इतना ज़्यादा वो केयरलेस था, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल ध्यान नहीं देता था अपने अप्रोच में, तो उस तरीके की तो यहाँ पे बात है ना, देखो एवर आ रहा है कि कभी भी कोई सिंगल पॉइंट डैश हिज अटेंशन, उसके अटेंशन से नहीं छूटता था, इस तरह की बात हो रही है ना, नहीं बच पाता था, तो ये पूरा का पूरा अगर यहाँ पे नेगेटिव होता कि ही इज सो कैजुअल, वो इतना कैजुअल था उसके अप्रोच में, दैट नॉट अ सिंगल पॉइंट एवर डैश हिज अटेंशन, तो एवर टेक हिज, मतलब यहाँ पे उस सेंस में नहीं आ रहा, पूरा आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड आ रहा है। देखो फेनेटिक जो वर्ड होता है, फेनेटिक भी जो है आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है, और इसका भी मतलब होता है एकदम वो सनकी किस्म का व्यक्ति है ना, किस किस्म का, एकदम सनकी किस्म का व्यक्ति था। क्लम्जी का मतलब होता है एकदम ढीला ढाला, लचीली, मतलब बिल्कुल चीज़ों को सीरियस ना लेने वाला, स्लो बोल सकते हो आप उसको, या जो इनएक्सपीरियंस था, क्या था, इनएक्सपीरियंस था, कम अनुभव वाला, ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति था। और नेस्टी भी जो है ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और इसका मतलब होता है हार्मफुल, ही इज सो हार्मफुल इन हिज अटैक, हार्मफुल नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है, तो ये भी आपका जो है सारे के सारे आपके जो है नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं दोस्तों, ये सारे क्या है आपके नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। अगर हम दूसरे साइड में देखें तो देखो क्या लिखा है, सिंगल अप्रोच दैट नॉट अ सिंगल पॉइंट एवर डैश हिज अटेंशन, तो देखो ये escapes his attention, उसकी जो attention है कोई भी एक single point भी जो है वो उसके attention से जा सकता था, मतलब वो कोई भी point होता था उस हर चीज़ का उसको ध्यान होता था, ऐसी कोई बात चीज़ नहीं होती थी जो उसके अटेंशन से या उसके माइंड से निकल जाए, आसानी से जो है एस्केप हो जाए, निकल जाए, तो मतलब देखो एस्केप भी जो है आपका बिल्कुल सही है ना यहाँ पे, तो ये भी आपका जो है एवर डैश, तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस में ही आने वाला है, ठीक है, तो एस्केप जो है पॉजिटिव वर्ड है। इरोड का मतलब होता है ख़राब हो जाना, है ना, अपने दिमाग में क्या हो जाना, एकदम ख़राब हो जाना, तो इरोड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ब्रिंग्स नॉट सिंगल पॉइंट एवर ब्रिंग्स हिज अटेंशन, तो ब्रिंग्स हिज अटेंशन तो होगा नहीं। अट्रैक्ट्स हिज अटेंशन, कोइंसाइड्स नॉट अ सिंगल पॉइंट एवर अट्रैक्ट, ये सारा नहीं होने वाला है। फर्स्ट वाला हमारा जो है ना दोस्तों मेटिकुलस और एस्केप,
बिल्कुल हमारा मीनिंग वाइज भी सही है ना, और इसमें सेंटेंस में ग्रामर के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से, और ये क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आप देखें कि ये वापस हम आ गए किस पर, एरर करेक्शंस पर। ठीक है ना, हमारे एरर के क्वेश्चंस वापस आपके सामने हैं दोस्तों, और देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है इसमें, इंडियाज स्वच्छ भारत मिशन इज रिसीविंग ग्लोबल प्रेज यूनिवर्सली फॉर अटेम्प्टिंग टू क्लोज द सैनिटेशन गैप। देखो फिर से पढ़ते हैं, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इसका, कि इंडिया स्वच्छ भारत मिशन, इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन है वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है एक ग्लोबल प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ, अप्रिसिएशन। ठीक है, एक ग्लोबली जो है, एक ग्लोबली जो है अप्रिसिएशन रिसीव कर रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है ये जो इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी तारीफ हो रही है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो ग्लोबल प्रेज हो रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्सली पूरे यूनिवर्स में, दोस्तों एक चीज़ देखो, ये ग्लोबल जो है ये भी पूरा यूनिवर्स के सेंस में ही होता है, और यूनिवर्सली वर्ड वो भी आपका ग्लोबल के सेंस में ही होता है, मतलब डबल डबल आ रहा है। देखते हैं, तो देखो अप्रिसिएशन यूनिवर्सली फॉर अटेम्प्टिंग, किस कारण से तारीफ हो रही है इस मिशन की, फॉर अटेम्प्टिंग टू क्लोज, एक कोशिश करने में, क्या कोशिश करने में, टू क्लोज द सैनिटेशन गैप। ये जो सैनिटेशन जो एक प्रॉपर जो सिस्टम है क्लीनिनेस का, इसका जो गैप है इसको क्लोज करने के लिए, ये पूरा सब कुछ सुचारू रूप से तैयार करने के लिए हमारे देश में, उस कारण से जो है ये जो हमारा स्वच्छ भारत जो मिशन है इसकी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है। ठीक है ना, अब देखो ग्लोबल भी लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ग्लोबल भी लिखा हुआ है और इधर यूनिवर्सली भी लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कोई एक आएगा, दो नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इंडिया स्वच्छ भारत मिशन इज रिसीविंग ग्लोबल प्रेज फॉर अटेम्प्टिंग टू क्लोज द सैनिटेशन गैप। दोस्तों आप चाहो तो इसको ग्लोबल को हटा सकते हो, ठीक है ना, या तो हम ग्लोबल को हटा सकते हैं या फिर हम यूनिवर्सली को हटा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को हम हटा सकते हैं। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो कि इंडिया स्वच्छ भारत मिशन जो है इज रिसीविंग प्रेज यूनिवर्सली फॉर अटेम्प्टिंग टू क्लोज द सैनिटेशन गैप, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिया स्वच्छ भारत मिशन इज रिसीविंग ग्लोबल प्रेज फॉर अटेम्प्टिंग टू क्लोज द सैनिटेशन। कोई भी एक आपको कट करना पड़ेगा, मान लेते हैं ये कट कर लेते हैं, मतलब एरर हमारा जो है बी के अंदर हमारा एरर निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपका आपका मीनिंग वाइज, ठीक है, मीनिंग के एरर्स आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, इवन दो आई लव कॉफी, है ना, इवन दो आई लव कॉफी I have chosen to avoid the beverage because the damage it does to my teeth. Okay, so because the damage it does to my teeth. देखो क्या मीनिंग हो रहा है, इवन दो, है ना, इवन दो आई लव कॉफी, है ना, इवन दो आई लव कॉफी मतलब हालांकि, है ना, यहाँ पे इवन दो दोनों हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का जो मीनिंग है वो क्या निकल के आ रहा है कि हालांकि, ठीक है, हालांकि या यद्यपि मुझे जो है कॉफ़ी मैं बहुत पसंद करता हूँ पीना, कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई हैव चूजन, मैंने फिर भी किसको चूज़ किया, मैंने किसको सिलेक्ट किया, आई हैव चूजन टू अवॉइड, मैंने सिलेक्ट किया कि मैं क्या करूँगा, जितने भी अवॉइड करूँगा किसको, बेवरेज को। बेवरेज का मतलब होता है ये इस प्रकार के जो भी पेय पदार्थ हैं जिसमें हमारे टी और कॉफ़ी आ जाती है, तो ये जो टी कॉफ़ी जो होती है इसको हम लोग बीवरेज बोलते हैं। तो क्या बोला कि मैंने ये निश्चय किया कि मैं इन दोनों को जो है अवॉइड करूंगा, क्यों, कि बिकॉज द, देखो कारण बिकॉज द डैमेज इट डज टू माय टीथ, बिकॉज द डैमेज, है ना, तो बिकॉज अगर यहाँ पे लिखा होता तो ये होता कि इट कॉज, इस तरीके से कुछ होता कि इट कॉजेस, है ना, इस तरीके से कुछ होता कि इट कॉजेज द डैमेज टू माई, इट कॉजेज द डैमेज, फिर ये इट डन, इट डज नहीं आता,
तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि अगर इट डज आया तो यहाँ पे जो है आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है अगर हम लोग ऑफ लगा देते हैं दोस्तों, तो हमारा जो सेंटेंस है पूरी तरीके से मीनिंगफुली करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो, इवन दो आई लव कॉफी आई हैव चूजन टू अवॉइड द बेवरेज बिकॉज ऑफ द, ध्यान देना, बिकॉज ऑफ द डैमेज इट डज, ओके, बिकॉज ऑफ द डैमेज इट डज टू माई टीथ, कि ये क्या कारण है कि ये जो डैमेज करता है ना मेरे दांतों को, उसके कारण, मतलब क्लियर हो रहा है हमारा, सी जो है वो एरर हो गया हमारा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 45 हमारा एरर का क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग जो हमारी हो रही है दो से स्टार्टिंग हो रही है, देखो दो द प्रोफेसर वॉज हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बट He refused to help him because of his ill nature. Ill nature का मतलब होता है उसका खराब व्यवहार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो आ गया, दो मतलब यही आपका हालांकि, है ना, हालांकि या यद्यपि या जबकि, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हालांकि ये जो प्रोफेसर थे, ध्यान रखना, हालांकि ये जो प्रोफेसर थे वो उसके मित्र थे। फॉर, देखो फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ये आपका एक टाइम फ्रेज है, ठीक है ना, क्या है ये आपका टाइम दर्शाने वाला एक फ्रेज है, है ना, समय बताता है और इसका एक रूल है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बट, लेकिन क्या हुआ, देखो बट लेकिन क्या हुआ, ही रिफ्यूज टू हेल्प हिम, ही रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज ऑफ हिज इल नेचर। तो इसमें दोस्तों दो तीन रूल्स आ रहे हैं, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, स्टार्टिंग यहाँ पे क्या आ रही है, दो से हमारी स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे जो है दो और बट, है ना, दो और बट का यहाँ पर एक आपका कॉम्प्लेक्स कंजक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन दोस्तों याद रखना, दो और बट का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। दो जो है दो के साथ बट नहीं लगता है, दो के साथ जो है आपका यट एकदम बराबर आता है, बिल्कुल याद रखो आप लोग इसी तरीके से, कि दो जो होता है अगर दो से स्टार्टिंग हो रही है और उसके बाद बट आता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्या होने वाला, यट होने वाला, यट, है ना, यट मतलब बावजूद उसके, है ना, दो का मतलब हालांकि होता है और यट मतलब आप बोल सकते हो कि ये आपका फिर भी, ठीक है ना, इस तरीके से बोल सकते हो, फिर भी या फिर बावजूद इसके, है ना, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो, बावजूद इसके, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कॉम्बिनेशन इसका हो गया। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये आपका बट जो है ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, एक आपकी मिस्टेक ये आ गई। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं कि ये देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हालांकि जो प्रोफेसर है वो उसके मित्र थे कुछ समय के लिए, ठीक है, उसके मित्र थे फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय के लिए उसके मित्र थे, लेकिन येट क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, येट, ठीक है ना, येट क्या हुआ कि ही रिफ्यूज टू हेल्प हिम, उसने जो है उनको मदद करने में क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उनको हेल्प करने में, क्यों कर दिया, बिकॉज ऑफ, उसके कारण, बिकॉज ऑफ हिज इल नेचर, उसके जो इल नेचर, इल नेचर का मतलब होता है जो उसका, खराब जो व्यवहार है, ठीक है ना, जो उसका खराब व्यवहार है उसके कारण जो है उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो चलिए ये तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन हाँ मैं ये बता रहा था, देखो दोस्तों ये क्या आ गया, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ये आपका जो है टाइम फ्रेज है। तो कभी भी टाइम फ्रेज इस तरीके से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, है ना, फॉर अ फॉर मैनी डेज, इस तरीके का कोई बात हो, टाइम फ्रेज हो, तो आपका जो है ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट में नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आपका सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। किस में हो जाएगा आपका सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका इस तरीके से है ना, ये क्वाइट अ लॉन्ग टाइम जो दिया हुआ है ना, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम दिया है, टाइम का फ्रेज दिया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में नहीं है, ये सेंटेंस हमारा जो है ये परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, दो द प्रोफेसर वॉज हिज फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, वो हैड बीन, है ना, क्या हो जाएगा, हैड बीन, दो द प्रोफेसर हैड बीन हिज
हिज फ्रेंड, है ना, तो प्रोफेसर हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा इसमें कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, दो द प्रोफेसर हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बट ही रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज ऑफ हिज इल नेचर, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये चीज एकदम याद रखनी पड़ेगी कि जब आपका जैसे फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इस तरीके का कोई सेंटेंस आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है कि भाई पहले प्रोफेसर जो है उसके मित्र हुआ करते थे, है ना, उसके मित्र थे ऐसा नहीं, उसके मित्र कभी हुआ करते थे, ठीक है, काफी लंबे समय तक उसके जो मित्र हैं वो प्रोफेसर साहब जो हैं उसके मित्र हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यट क्या हुआ, उसके बावजूद या बावजूद इसके उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनकी हेल्प करना, कारण क्या कि उनके इस खराब व्यवहार के कारण, उनका व्यवहार ही ऐसा था तो उनके खराब व्यवहार के कारण उन्होंने ये चीज को रिफ्यूज कर दिया। तो इसके अंदर दोस्तों ये देखो आप दो स्ट्रक्चर, दो रूल आपको समझने को मिले, एक तो ये कि लॉन्ग टाइम कभी भी आता है तो आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हमारा सेंटेंस, और दूसरा हमको ये याद रखना है कि दो जो है उसके साथ जो है ये पेयरिंग होती है येट की बट की नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 वाला, द गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स ऑन 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑन कॉरपोरेट बॉन्ड्स ऑफ द सेम मैच्योरिटी हैव वाइडन्ड इन ट्रू सेंस, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, देखो द गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, द गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स ऑन 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ सेम मैच्योरिटी हैव widened in true sense, तो चलिए थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं किसकी बात हो रही है, द गैप, इस गैप की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है ना, किसकी एक गैप की बात हो रही है, किस किस के बीच में गैप हो रहा है यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट के बीच में, कौन सा इंटरेस्ट रेट, जो 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट है, पाँच वर्षीय जो है सरकारी जो बॉन्ड्स है उसका जो इंटरेस्ट रेट, ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा कंजंक्शन, और किसका इंटरेस्ट रेट, और देखो वापस से, और ऑन मतलब ये ऑन किसके लिए, वापस से गैप के लिए ऑन है, ठीक है, कि और एंड द गैप ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ सेम मैच्योरिटी हैव, ये आपका आ गया हैव वाइडन द ट्रू सेंस, तो ये बात किसकी हो रही है। अगर दोस्तों पूरे सेंटेंस में आप देखें तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम लोग इस पूरे सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इस गैप की बात कर रहे हैं, ये जो कमी या दरार या जो गैप आ रही है, ठीक है, ये जो लूप होल हो रहा है एक तरह से, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये गैप क्या है, गैप कौन सा सब्जेक्ट है बताओ जरा मुझे, गैप आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट है ये आपका गैप, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब का जो हमारा एग्रीमेंट है, ये हमारा क्या कहता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में जो आपका वर्ब होगा वो भी प्लूरल वर्ब होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गैप की बात हो रही है। अब ये देखो इसको पूरा खींचा हुआ है सेंटेंस को और एंड से जोड़ा हुआ है, देखो सेम सेंस में होगा, देखो अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं, अगर मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ देखो क्या हो रहा है, देखो द गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट, है ना, ये जो गैप किसके बीच में, इंटरेस्ट रेट के और 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड के बीच में गैप, एक तो गैप ये, और अब देखो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से शुरू करते, एंड द गैप, वापस से द गैप ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ द सेम मैच्योरिटी, तो ये दो दो गैप की बात हो रही है, और यहाँ पर आपका जो है ये आ गया वर्ब, ठीक है, तो ये वर्ब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लूरल, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा हैव के बदले हैज हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा हैज, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होने वाला है, ठीक है ना। वर्ब क्या होने वाला है, सिंगुलर होने वाला है, तो हैज वाइडन्ड इन ट्रू सेंस, ठीक है। क्लियर हुआ कि ये जो गैप है इंटरेस्ट रेट में और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में जो मैच्योरिटी के ऊपर, वो क्या हो गया है, ट्रू सेंस में देखा जाए तो और बड़ा हो गया है, वो जो गैप है दोनों के बीच में वो बढ़ चुका है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या लिखा हुआ है। द पुलिस कुड अरेस्ट ओनली वन थीफ ऑफ द क्लब रॉबरी एंड मैनी ऑफ देम आर स्टिल इन लार्ज। फिर से पढ़ते हैं, ये जो पुलिस है, देखो पुलिस कुड अरेस्ट, पुलिस जो है अरेस्ट, कुड अरेस्ट का मतलब है केवल अरेस्ट कर पाई, किसको कर पाई, ओनली वन ऑफ द क्लब रॉबरी, ओनली वन ऑफ द थीफ ऑफ क्लब रॉबरी, जो क्लब में जो रॉबरी हुई थी, क्लब के अंदर जो लूट हुई थी उसमें से पुलिस जो है वो मात्र एक चोर जो है उसको अरेस्ट कर पाई, और क्या हुआ, और उसके साथ मैनी ऑफ देम जो है आर स्टिल इन लार्ज, मैनी ऑफ देम आर स्टिल इन लार्ज, तो बहुत सारे लोग जो है वो स्टिल इन लार्ज जो है वो क्या है, आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ ग्रिप है ना, इस तरीके की बात हो रही है। अब देख लेते हैं दोस्तों वर्ड टू वर्ड, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर इसको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द पुलिस, ठीक है, द पुलिस हमारा क्या है दोस्तों, पुलिस जो है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है, पुलिस जनरली हमारा क्या होता है, प्लूरल सेंस में होता है, ठीक है ना, याद रखना पुलिस जो वर्ड है वो आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, तो पुलिस द, भले ही द लिखा हुआ है, द पुलिस मतलब वो पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर पुलिस की यहाँ पर बात हो रही है, तो पुलिस को अरेस्ट मतलब कर पाई है ना, कर सकी इस तरीके से, किसको, ओनली वन थीफ, वन ऑफ, देखो वन ऑफ कभी भी आया, अच्छा वन थीफ सॉरी, किस, केवल एक चोर को पकड़ पाई, कौन से चोर को, ऑफ द क्लब रॉबरी, जो क्लब में जो रॉबरी हुई थी उसमें जो शामिल एक पुलिस था उसको वो पकड़ पाई, और एंड आया, और क्या, और मैनी ऑफ, तो मैनी ऑफ आया दोस्तों, तो उसके बाद आपका क्या आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है या प्लूरल प्रनाउन आने वाला है, ठीक है, तो मैनी ऑफ देम बराबर है आर स्टिल, बहुत सारे जो है, अब ये देखो मैनी ऑफ देम आया तो उसके बाद वर्ब जो, अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल आपका प्रनाउन है तो वर्ब भी आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे आप देखो क्या लिखा हुआ है, स्टिल इन लार्ज, तो ये जो दोस्तों ये क्या है, ये जो स्टिल इन लार्ज है ये आपका एक ईडियम है दोस्तों, क्या है आपका ईडियम, ईडियम है, या फिर आप इसको एक फ्रेज बोल सकते हो, ठीक है, एक कहावत आप बोल सकते हो, ठीक है, ये स्टिल इन लार्ज नहीं होता है दोस्तों, स्टिल एट लार्ज होता है, ठीक है ना, क्या होता है, स्टिल एट लार्ज होता है, और इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ ग्रिप, आउट ऑफ ग्रिप मतलब इसका होता है कि पकड़ से बाहर, ठीक है ना, हमारी पकड़ से, कैसा, पकड़ से बाहर, आउट ऑफ रीच भी हम लोग बोल सकते हैं उस सेंस में कि वो अभी भी, वो जो चोर है वो क्या है, स्टिल आउट, स्टिल इन लार्ज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है फ्रेजेस की गलती, और आप ये मान के चलो कि SBI में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो फ्रेज के बेस्ड के जो क्वेश्चंस हैं, एरर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फ्रेज बिल्कुल आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, फिक्स प्रीपोजिशन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, स्टिल इन लार्ज नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, स्टिल एट लार्ज, और ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि बिल्कुल इसी फॉर्म में आपका ये फ्रेज होता है, जिसका मीनिंग स्टिल, जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ ग्रिप, आपकी पकड़ से बाहर, तो एरर हमारा जो है डी के अंदर हमारा एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सिंस द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हैज बीन पुअरली डिजाइन, There are not many institute that offer this facility. चलिए क्या मीनिंग है इसका, कि सिंस द चूंकि, है ना, सिंस का यहाँ पे मतलब आ रहा है चूंकि, ठीक है ना, क्योंकि या चूंकि, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है आजकल, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक के समय में स्कूल्स तो सारे बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो एक ऑनलाइन एजुकेशन का मॉड्यूल शुरू हुआ जिसमें मोबाइल या हैंडसेट के थ्रू जो है पढ़ाया जाता है, ऐप्स के थ्रू,
ये उसी की बात हो रही है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है देखो हैज बीन पुअरली डैश वो क्या है सॉरी पुअरली डिजाइन हुआ है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि ये इस तरह की फैसिलिटी दे पा रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हैं, इंस्टीट्यूट भी फैसिलिटीज नहीं दे पाते और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं खास करके जो दूर दराज के गांव के एरिया में रहते हैं वहाँ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, वहाँ डेटा इतना अवेलेबल नहीं होता है, एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल नहीं होता है और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है ना। तो वो मतलब ऐसे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो कि ये फैसिलिटी को ऑफर कर पाए, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, सिंस है ना, सिंस से शुरुआत हो रही है कि अब सिंस से शुरुआत हो रही है और इधर देखो आपका हैज़ बीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है ना दोस्तों पूरा, ये हमारा सेंटेंस आपका सेंटेंस ये पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपका ये सेंटेंस है, ठीक है ना। ये पूरा सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर दिया हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंटिन्यूस भी हो सकता है और केवल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं पैसिव फॉर्म, क्या बोल सकते हैं, पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म में भी हमारा ये सेंटेंस हो सकता है। अब आप देख लेते हैं, तो देखो सिंस द ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन जो हैज बीन आया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना हैज बीन आया। मैं आपको एक चीज बताऊं, हैज बीन आया तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आने वाला है, ठीक है ना। वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में आने वाला है, थर्ड फॉर्म में। तो आप देखो हैज बीन पुअरली, पुअरली क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है। पुअरली क्या है, ये आपका एक एडवर्ब है, बेकार तरीके से, बहुत ही लचीले तरीके से जो है डिजाइन हुआ है। तो डिजाइन हुआ इसका मतलब वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये डिजाइन गलत हो गया दोस्तों, आपका ईडी यहाँ पर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ईडी, तो ये हो जाएगा डिजाइन, ठीक है। तो एक एरर तो आपका किस में पता चल गया, बी के अंदर, ठीक है, ईडी लग जाएगा। आगे देखते हैं, देयर आर नॉट मैनी, देखो मैनी लिखा हुआ है ना, मैनी आपका क्या है, मैनी आपका एक आप बोल सकते हो इसको प्रीपोजिशन भी है ना, ये आपका क्या है, मैनी यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सॉरी, ये आपका देखो इंस्टीट्यूट है ना, तो मैनी आपका क्या हो गया, एक तरह से एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मैनी और इंस्टीट्यूट, तो दोस्तों मैनी जो है उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, मैनी के साथ हमेशा क्या आता है, ये देखो मैनी जो वर्ड है आपका है ना, मैनी, ठीक है, मैनी हुआ या फिर फ्यू हुआ, ये सबके सब जो है इनके बाद, ये प्लूरल फॉर्म के आपके एडजेक्टिव्स हैं तो इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा। इसका क्या मतलब है कि इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग एस लगा देंगे, तो आपका जो एरर है वो बी के अंदर भी एरर है और सी के अंदर भी आपका एरर है। दैट ऑफर दिस फैसिलिटी, डी वाला जो है आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,